अब यहां पे आप देखिए, ये हमारा जीएसटी इनवॉइस का है। यहां पे मैं नंबर डालूंगा, देखिए यहां पे क्या है, हमारा कस्टमर डेटा है, राइट। तो कस्टमर डेटा में नाम है, मैं यहां पे वन दिया तो इस कस्टमर का पूरा डिटेल्स भी जीएसटी नंबर आ गया। ऐसे ही मैं यहां पे प्रोडक्ट नंबर, यहां पे मैंने प्रोडक्ट डाला डीवीडी, प्रोडक्ट का यहां पे हैश कोड डाला तो पी डेटा से डीवीडी की पूरी डिटेल्स यहां पे आ गई, राइट। उसके बाद यहां डिस्काउंट 20% है तो ये 20% डिस्काउंट हो गया, या फिर अपने चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें क्या था, जीएसटी था, राइट। अब जीएसटी मैंने वन कर दिया तो ये क्या होगा, ये हमारा 5% की जीएसटी कटेगी, 2.5% सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी बाय 2.5% कटेगा, ठीक है। तो जीएसटी टू कर दूंगा तो फिर ये आपका 10% कटेगा, 9% कटेगा, 4.5%। तो अब बात यह है कि जैसे हमने इनवाइस बनाया, मान लीजिए डेटा फिल करके जब मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो इसकी पूरी डेटा सेल्स पे जाना चाहिए कि इनवाइस नंबर, कस्टमर डेट, कस्टमर डिटेल डेट, यहां पे पीआईडी, ठीक है, और यहां पे क्वांटिटी, यहां पे जीएसटी, जीएसटी हो गया डिस्काउंट, और यहां पे फिर टोटल, समझे, समझे कि नहीं सर। तो यहां से कस्टमर, अब यहां पे बोलेंगे सर इसमें कस्टमर का नेम, प्रोडक्ट नेम वगैरह क्यों नहीं है, हालांकि डाल सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे सीआईडी 1 से हम डेटा उठा लेंगे और पीआईडी 1 से हम ये उठा लेंगे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उठा लेंगे, क्या, तो जरूरी नहीं है, बट आप अपने हिसाब से जरूरी है तो कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हमें, अब हम चाहते हैं यहां पे प्रिंट, एक प्रिंट का बटन करेंगे, सेल का बटन बनाना चाहता हूं मैं यहां पे, अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं सर, बाय सेल कुछ प्रिंट कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्लिक किया और मैं यहां पे करता हूं सेल, ठीक है, और इस सेल का हम यहां से फॉर्मेट कर देते हैं, इस पे क्लिक करने पे। तो चलिए इसके लिए मॉड्यूल्स तैयार करते हैं। तो ये हमारा इनवॉइस है, तो इनवॉइस गुड्स करके आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा जीएसटी कर देता हूँ, जीएसटी से बिल कर देता हूँ, बिल से हमें कहाँ स्टोर करना है, सेल्स में, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हम डेवलपर में चलते हैं, विजुअल बेसिक पे चलते हैं, और हम जाते हैं फालतू की फाइलें खुली हुई हैं, इसको एक बार बंद कर देता हूँ, इसकी तो है, बिल है ना सर, बिल, हाँ ये फाइल देखना जरूरी है, जिस भी टेक्स्ट में पे चल रहा हूँ, क्लास को इंसर्ट कर दिया, मुझे मॉड्यूल इंसर्ट करना है ना, सब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले वही आईडी, आईडी इक्वल टू आप इनवॉइस नंबर कर सकते हैं INV के नाम से, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट, यहाँ पे मैक्स, और यहाँ पे हमें हमारा सेल्स, सेल्स डॉट रेंज ए बाय ए, ठीक है, और यहाँ पे रेंज 65,000, सिंगल कोट में डबल कोट होगा, डॉट रेंज
डॉट एंड ओपन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज रेंज आईडी प्लस ओमेगा आईडी प्लस इसका आगे हम सीट रे सीट सेल्स लगा देते हैं लगा भूल गया था मैं ओके अब मैं ये तो सेल्स आईडी आ गया अब बात करते हैं डेट की सेल्स आईडी के बाद हमारा इसमें डेट ही है ना पहले सॉरी डेटा तो ये हमारा सेल्स में डेट है डिवाइस नहीं सी आई डी फिर डेट है तो सी आई डी है तो सी आई डी का एड्रेस कौन सा है ये है हमारा 27 ठीक है तो यहां आते हैं अपने इस पे और वापस इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे तो हमारा जीरो यहाँ पे हमारा वन और यहाँ पे हमारा जीरो और यहाँ पे हमारा टू होगा और यहाँ पे हम कर देंगे डेट का ठीक है सर डेट के बाद इस जीएसटी के यहाँ पे डेट के बाद जो ऐड होगा सेल्स में पीआईडी और पीआईडी कहाँ है पीआईडी हमारा यहाँ हैश कोड जो है ये आपका C15 में यहाँ पे हम डालेंगे C15 पीआईडी के बाद क्वांटिटी है ना सर आईडी के बाद क्वांटिटी है तो क्वांटिटी का लिए फोर कर देता हूँ मैं और क्वांटिटी कहाँ पर है तो क्वांटिटी हमारा है ये हमारा D15 में D15 में ठीक है यहाँ पे सी होना चाहिए ना और उसके बाद हमारा है जीएसटी राइट सर बट जीएसटी में दिक्कत यह है कि दो जीएसटी है तो हम दोनों को ऐड करके चाहते हैं यहां पे तो जीएसटी है G25 एंड 27 ये क्वांटिटी और जीएसटी हाँ 25 एंड 27 है ना सर तो यहां पे हम लिखेंगे 25 और इसी में प्लस और यहां से हम रेंज को कॉपी कर लेंगे 27 ऐड होके चल जाएगा ठीक है अब यहां पे अगला टॉपिक है हमारा डिस्काउंट और डिस्काउंट हमारा यहां है बिल में यहां ये यह हमारा 21 में और यहां पे हमारा G21 उसके बाद फाइनल अमाउंट यहां पर है G42 और यहाँ पे हमें चेंज नहीं किया चार के बाद यहाँ पे 5 होगा यह हमारा 6 होगा यह हमारा 7 होगा मतलब टोटल 8 कॉलम तो मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे सेल्स डेटा में क्या 8 कॉलम है या नहीं है आठ कॉलम है राइट सही है अब ये
तो बिल हो गया, फिर मुझे यहाँ पे एक कन्फर्म होना होगा, कन्फर्म की मैसेज देना होगा एम एस जी बॉक्स उसके बाद मुझे इस एरिया को प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया और पेज लेआउट में गया और इसको हमने कर दिया सेट प्रिंट एरिया, ताकि मेरा यही एरिया प्रिंट हो बाकी नहीं। जब प्रिंट होगा तो सिर्फ इतना ही एरिया प्रिंट होगा एक ही पेज, ठीक है। तो यहां पे हम कोड प्रिंट के लिए लिखेंगे, या सीट भी कर सकते हो, सीट सीट वर्ड में बाद में देखता हूं प्रिंट आउट का, सीट वर्ड की जगह पे मुझे सीट देना होगा ना, ये बिल करना होगा सीट्स। एक्टिव सीट भी कर सकता हूं मैं, यहां पे एक्टिव सीट कर देता हूं। ओके, अब मैं एक बार सेल्स को करता हूं, लेकिन इससे पहले मुझे इस पर असाइन मैक्रो करना पड़ेगा। असाइन मैक्रो सेल्स ले लिया एंड अब मैं इस पे सेल्स करूंगा, मैसेज दिया सेल्स कंप्लीटेड और मेरा पेंट आउट के लिए चला भी गया और सेल्स में मेरा डेटा ऐड हो गया। हो गया ना सर। अब अगली सेल करूंगा तो अगला हो जाएगा, और प्रिंट आउट में आप जाके देखिए, यहां देखिए प्रिंट आउट में हमारा चला गया प्रिंट के लिए। लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा क्यों है, पीछे रीजन ये है। अब मान लो इसमें एक ही क्वांटिटी है, लेकिन मुझे ऐसा इनवॉइस बनाना है जिसमें तीन चार पांच क्वांटिटी हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हो, बट मैंने अभी जो बनाया है सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए है। तो क्या है कि अभी तो आपका वीवीए इतना अच्छा से हुआ नहीं है ना सर, अभी तो चल ही रहा है, तो हम आगे चल के इसमें बताएंगे, ठीक है सर। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए।